सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी श्रोताओं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये विषय, ये टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है। ये एक स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक बिजनेसमैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी एज से 30, 40, 50 ईयर्स हो सकती है, चाहे 25 ईयर्स भी हो सकती है। हो सकता है कि वो हाउसवाइफ भी अगर बिजनेस चला रही है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इवन जो हाउसवाइव्स हैं उनके लिए भी अलग से इम्पॉर्टेंट है। इवन द पीपल हु आर इन ओल्ड एज, जो बुढ़ापे में, जिनको हम कहते हैं 60, 70 ईयर्स या प्लस में हो जाते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेरा विषय आज का है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं FEAR, फियर। हिंदी में कहते हैं डर। ये डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने से इतना ज्यादा रोकती है, इतना ज्यादा रोकती है कि अगर उसको जीत हासिल करनी है उस फियर के ऊपर, हमें उस डर के ऊपर, तो हमें उससे ज्यादा हिम्मत लगानी पड़ेगी, उससे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। खैर, चिंताएं, फियर, डर, ये भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जिस फियर की आज मैं बात करने जा रहा हूं, उसको हम कहते हैं फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने का डर। एक एजुकेशन मोड में जो बच्चा होता है स्कूल कॉलेज में, उसको डर लगता है कॉन्फिडेंस का, स्टेज पर खड़े होने का। क्या गजब का डर होता है ये। मतलब घर वाले, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन बोल बोल कर थक जाते हैं कि बेटा, भाई, तू असेंबली में आगे आया कर और बोला कर न्यूज, आज का विचार, टुडेज थॉट, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा 100 लोगों के आगे खड़े होकर बोल सके। एक बिजनेसमैन ये बात जानता है कि उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, उसके अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, उसकी दुकान में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, पर सिर्फ बोलने की जो स्किल्स हैं, या बोलने में डर लगता है, बोलने की स्किल्स अच्छी नहीं है या डर लगता है, उसके कारण वो कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाता। हाउसवाइफ या लेडीज जब किटी पार्टी में जाती हैं और देखती हैं दूसरी लेडीज माइक लेकर इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही हैं, तो उन्हें भी अंदर से एक इच्छा जागती है, काश मैं भी बोल सकती। एक ओल्ड एज में जो पर्सन होते हैं, वो कभी धार्मिक जगह पर जाते हैं, तो जब किसी को स्टेज पर बोलते हुए देखते हैं, सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा बोल सकता। समझिए, ऐसा क्यों है कि आप नहीं कर सकते पर दूसरे कर सकते हैं? कारण बहुत सिंपल सा है, समझने वाला है, वो ये है कि उन्होंने कोशिश करी, आपने कभी कोशिश नहीं करी। याद रखिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास करने से आता है, दुनिया का असूल है। अगर आपको स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला, मतलब नहीं मिला से मेरा मतलब आपने गेन नहीं किया, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो अब भी देर नहीं हुई है। चाहे आप कॉलेज के आखिरी साल में हैं या आप कॉलेज खत्म कर चुके हैं, डरिए मत, आगे आइए, टॉक विद पीपल, इंसल्ट होगी, होने दीजिए। दुनिया में जब जब इंसल्ट हुई है, तब तब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए हुई हैं। आज इंसल्ट होती है, होने दो, थोड़ी सी हो रही है, कल को और ज्यादा होंगी, होने दो, इंसल्ट से क्या घबराते हो यार? दुनिया में लोग तुम्हारी इंसल्ट करते रहेंगे। याद रखना, इंसल्ट करने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, जिसे कुछ आता है, जिसके अंदर स्किल्स है, वो आपकी कभी इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको उस बात का एहसास है कि जब उसने स्टार्ट किया था तो ये दौर किस तरह का होता है, स्टार्टिंग फेज दैट वी कॉल एक्चुअली। बिजनेस में हमें लगता है मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मैं कैसे किसी कोचिंग क्लास पे या कहीं लोगों के सामने जाकर बोलूं, या कहां कैसे जाऊं, मेरी तो उम्र इतनी बड़ी हो गई है, या उनके बच्चे होते तो यार बच्चों के सामने हमें शर्म आएगी। अरे, जिसको हम कहते हैं डस्टबिन में डालो आपकी शर्म को। ये शर्म एक ऐसी चीज है, ये डर एक ऐसी चीज है जो इस सिस्टम ने कभी नहीं बनाया, कुदरत ने नहीं बनाया। हम उसको ब्लेम करते हैं कुदरत को कि ये डर कुदरत ने दिया है, ये डर हमने पैदा किया है। डर था ही नहीं स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, बाद में हमने डर बनाया। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे, लोग तो सोचते ही रहेंगे, क्योंकि याद रखिए, ये दुनिया एक ऐसी चीज है जो कभी
आपको फ्री नहीं रहने दे सकती। अगर आपके पास कोई काम नहीं भी है तो भी आप कुछ ना कुछ तो सोचते रहेंगे, वही मैं कह रहा हूं, सामने वाला सोचता रहेगा। घबराइए मत, काम कीजिए। हाउसवाइफ लेडीज, अगर आप किटी पार्टीज में जा रहे हैं और आप भी बोलना चाहते हैं, अरे आप उस लेडीज से कहिए आज मैं एंकरिंग करना चाहती हूँ, क्या होगा, 15 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा आप उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे जितना अच्छा वो लेडीज एंकरिंग कर रही थी। पर याद रखना, आप धीरे धीरे इंप्रूव जरूर करेंगे, क्योंकि ये आत्मविश्वास जो होता है, इन इंग्लिश वी कॉल इट एज, इट डज नॉट कम्स इन लमसम, इट ऑलवेज कम्स इन इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब है एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। देखिए दुनिया में कोई भी अगर अच्छी चीज़ है तो कभी भी वो एकदम से नहीं आती। आप खून की बॉटल देख लीजिए, क्या मैं खून की अगर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ किसी को, ग्लास में डालकर दे देंगे भाई साहब आप एक ग्लास खून पी लीजिए, उन्हें बॉटल लगाई जाएगी धीरे बूंद बूंद के साथ जाएगी। बिकॉज इट इज रूल ऑफ नेचर, व्हेन यू गेन समथिंग प्रोडक्टिव गुड इट गोज ग्रेजुअली स्लोली। ये असूल है जिंदगी का। आप ये ना सोचिए आपकी उम्र 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, और उम्र का बंदिश भी कुदरत ने नहीं बनाया, हमने बनाया। दुनिया में हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मुझे लगता है आपने नाम सुना होगा सरदार फौजा सिंह, जो एक बहुत ही अच्छे एथलीट रहे हैं। उन्होंने अपनी लेट ईयर्स में चालू करी रनिंग, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो जागे लेट थे पर आज दुनिया में शिखर पर है। क्योंकि याद रखना बात बहुत सिंपल सी है, आप जब जागते हो तब सवेरा है। अगर आप ओल्ड एज में हैं और आज मुझे सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी आप ओल्ड एज में नहीं हैं, आप यंगस्टर्स बन सकते हैं अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है, जान है कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं दौड़ने जाता हूं रोज शाम को, मैं एक अंकल से मिला वहां पर, उनकी एज 58 ईयर्स है, वेट बहुत पुट ऑन कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपना 18 किलो वजन कम किया, ट्रस्ट मी 9 महीने के अंदर। मैंने कहा सर ये कैसे करा आपने, बोले मुझे लगता था नहीं होगा पर फिर भी मैं ग्राउंड पर इसीलिए आता था एक उम्मीद के साथ कि अगर यंगस्टर्स कर सकते तो मेरा कुछ तो होगा। और वो कहते बिलीव मी मैं करता गया और अपने आप होता गया। याद रखना जब जब थोड़ा थोड़ा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आत्मविश्वास अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, आप आगे बढ़िए। हरिवंश राय जी बच्चन जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं, जिनमें से दो चुनिंदा लाइनें मुझे बहुत पसंद है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। नाउ यू डिसाइड यू आर अ चैंपियन और अ लूजर। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ चैंपियन स्टार्ट गेटिंग इन टू द एक्शन, कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से। और सिर्फ मोटिवेट ना होइए, सेल्फ मोटिवेट होइए। मोटिवेट तो बहुत लोग हो जाते हैं, आज से करूंगा, पर करने पे आइए। स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आपकी बात रख पाएंगे। आप इस आज का जो दौर है, टुडेज एरा इज समथिंग लाइक इफ यू आर अ गुड ऑरेटर You gain lot of respect. You are able to communicate. आज के दौर में किटी पार्टीज होती हैं, सोशल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, बिजनेस में कस्टमर को अगर आपने कन्विंस करना है तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स मैटर करती हैं। फिर चाहे आप बिजनेस किसी भी चीज़ का करते हैं, अगर आप खेती भी करते हैं तो आपका प्रोडक्ट आप कैसे मंडी में बेच रहे हैं, दैट मैटर्स। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर हार्डवर्क। हार्डवर्क इज इम्पॉर्टेंट, मेहनत बहुत ज़रूरी है, पर मेहनत के साथ कितने अच्छे से आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा ये जो फियर डर है आपके अंदर, ये डर किसी और ने नहीं, डर आपने बनाया था। बनाया आपने कैसे था, क्योंकि आपने कभी वो चीज़ करी नहीं, आपको डर लगता कि आप लगाते रहे वो डर को अपने आप से। याद रखिए उस डर को आज तोड़ फेंकिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्किल्स। कुछ समय बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ नई वीडियोस बनाने का, जिसमें आपको मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बाय दैट टाइम स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, कीप द जोश हाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एंडेवर्स ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।